नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो सीबीसी न्यूज का खास कार्यक्रम डूंगरपुर नगर परिषद का रिपोर्ट कार्ड, जिसके तहत हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 14 के जो पार्षद है भुवनेश लबाना के वार्ड में। यहाँ की जो वार्ड की जनता है उनसे हम जानेंगे कि इन 5 सालों में जो पार्षद ने उनसे वादे किए थे उन पर खरे उतरे या नहीं। क्या आज भी लोगों की समस्या है? क्या जो पार्षद का काम है नालियाँ पानी लोगों तक पहुंचाना, सड़कें बनाना, सड़कों की मरम्मत करना, लाइटें लगाना, क्या उन्होंने बखूबी किया या नहीं किया? क्या आज भी क्या समस्या रह गई? चलिए रुख करते हैं वार्ड नंबर 14 की ओर। सीबीसी की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 14 के अंबेडकर कॉलोनी में। और मैं आपको बता दूं कि अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और हमेशा सीबीसी धरातल पे ही रिपोर्टिंग करती है, ना कि फिर मैंने आपको बताया कि बाग बगीचों में और कई बड़े प्रश्न लोगों को बिठाकर। मैं आपको बता दूं कि सीबीसी की टीम फिर एक पानी को लेकर वार्ड नंबर 14 में जो समस्या थी कि यहाँ एक सरकारी नल है जिसमें काफ़ी पतला पानी आ रहा है और आप देख सकते हो कि काफ़ी पतला पानी आ रहा है और क्षेत्रवासियों द्वारा जो काफ़ी भीड़ है और यहाँ लाइनें लगी हुई है और जानते हैं लोगों से आखिर इनको पानी की क्या समस्या है। क्या नाम आपका? कुंजी देवी। कुंजी देवी जी, हूँ समस्या हमारे पानी की समस्या है और ये कचरा निकालने कोई नहीं आता, सब नाली हट रही है और ये लाइन जा रही है हमारे मकान पे, बच्चे ऊपर चढ़ते हैं तो कोई हादसा हो सकता है। एक बार तो हो गया है, इधर आग लग रही है एक दिन दो। आपने कभी आपके पार्षद को इस बारे में बताया? बहुत बार बोला है, यहाँ आए तो एक आए थे लाइन निकालो 10,000 रुपये लूँ यूँ कह रहा था। कौन कौन? वो तो क्या पता नहीं, हमको नाम नहीं पहचानते। पानी वाले आए थे या लाइट वाले आए थे? नहीं, लाइट वाले आए थे। कितने पैसे मांगे थे? 10,000। क्या नाम आपका? सोमा। सोमा जी, क्या आपके वार्ड में क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। आपके पार्षद को जो आपकी कुछ भी समस्या है उनको कितनी बार बताया आपने? कई बार बताई। आपके पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर? 0। 0। आपको और बता दूं कि यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनके पार्षद को लेकर उनमें काफी गुनाह है। लालचंद जी, आपके वार्ड में क्या समस्या? हमारे वार्ड में तो खास तो ये एक नाली की समस्या बहुत भारी है। नाली सफाई बिल्कुल टाइमो टाइम होनी चाहिए। दूसरी बात, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। पैसे बिल आते ही बिल हम भराते हैं मगर पानी बिल्कुल एक बूंद नहीं आ रहा है। आपके जैसे जो सफाई की और पानी को लेकर आपने पार्षद से कितनी बार शिकायत करी? हमने कई बार शिकायत करी, आते हैं देख के हाँ हम बोल देंगे यूँ कह के रवाना हो जाते हैं, पर कोई वापस फिर के नहीं आता। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देते हैं? 0। आपने देखा कि यहाँ पर जो पानी, और भी दिखा दूं आपको बिल्कुल कि यहाँ अभी आपने देखा कि मात्र 5 मिनट पानी आया है और ये पानी की आप स्थिति बिल्कुल देख सकते हो कि किस तरह से, यानी कि क्या बताऊं इस पानी को, बिल्कुल जो बोलते हैं ना पतली दोर की तरह हो गया है। क्या नाम आपका? सोमा। सोमा जी, जो आपके यहाँ पार्षद थे पिछले 5 साल तक और अभी निवर्तमान जो पार्षद हैं, उन्होंने क्या काम करा आपके यहाँ? कभी भी आते भी नहीं है, वो जीत के गए, उसके बाद में कभी आके हमने शकल ही नहीं देखी उनकी। और हमारी समस्या जो है, हम किसी को कहने जाते कोई सुनता ही नहीं हमारी समस्या। तो आपके जो निवर्तमान पार्षद हैं उनके कामों से कितने संतुष्ट हो आप? कोई काम ही नहीं करा उन्होंने आज दिन तक। तो 10 में से कितने नंबर देते? कोई भी नहीं। 0। 0 सीबीसी की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 14 के यादव बस्ती में। और आपको बता दूं कि यहाँ अभी भी कई लोग खड़े हुए हैं जो सुबह की 7 बजे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीबीसी धरातल पर रिपोर्टिंग करती है, नहीं किसी बाग बगीचे में रिपोर्टिंग करती है। और धरातल पर जो समस्या लोगों की, अभी जानते हैं लोगों से आखिर वार्ड की क्या समस्या है। क्या नाम आपका? रमेश यादव। रमेश जी, क्या आपके वार्ड में जो पार्षद है पिछले 5 साल से उन्होंने कितने काम कराए?
कुछ भी काम नहीं कराया और कभी दर्शन भी दुर्लभ हो गए हमारे लिए। 5 साल में उनके दर्शन दुर्लभ हो गए। हाँ, और कोई विकास या ऐसा कुछ बड़ा काम उन्होंने करा? विकास का मुद्दा कुछ भी नहीं, 1 रुपये का कोई वार्ड में काम नहीं हुआ। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देते? 0। आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने पार्षद को 0 नंबर दे रहे हैं। आपका नाम है? मीरा भाई हूँ। तुम्हारे समस्या? पानी नहीं समस्या, हमारे तो बहुत पानी नहीं समस्या है। पानी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, कोई भी हमारे पार्सल हमें हमारे घर पे यहाँ कोई भी एक बार वोट लेने आया है वो अभी तक हमारे शक्ल नहीं दिखाई हमारे को वापिस। और हमारे यहाँ 12 खोताएंगे जब हम इसको वोट देंगे। आने वाले जो चुनाव में अगर आपके यहाँ कोई ट्यूबवेल खुदाएगा तो ही आप उसको वोट दो? हाँ, वोट देंगे हम। आप अभी नहीं, वर्तमान जो पार्षद हैं आपके वार्ड के, उनको 10 में से कितने नंबर देते हैं? 0। अभी आपको और बता दूं, यहाँ और कुछ भी महिलाएं हैं उनसे भी जानेंगे हम कि आखिर क्यों महिलाओं का पार्षद इतना गुस्सा है, आखिर उनसे और जानते हैं आगे महिलाओं से। हुना में तुम्हारा? लक्ष्मी भाई क्या आपकी मेन प्रॉब्लम है? पानी नहीं है घर में, एक बूंद काले नू। बाकी और कुछ समस्या जैसे कि वार्ड में साफ सफाई गंदगी हो या कहीं? समस्या घनी है पर कोने अब तो नहीं हमारे वार्ड पार्षद अब तो नहीं है। तुम्हें जीता ही नहीं किए थे काले, तुम्हें कॉल कलस ने देखी है के वो है मस तुम्हें कारे फोन करिए नहीं करिए। आपका क्या नाम? गीता। गीता जी क्या है आपकी? बस आप पानी नहीं तकली थे अभी चुका है नहीं है पानी नहीं पार्सल तो बस वही वाटर लीजिए पास कलस नहीं बताते बस। आपको बता दूं कि यहाँ लोगों ने बताया कि पानी की समस्या है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक जो लीकेज है आप देख सकते हो मेरे यहाँ एक लीकेज है जो पिछले कई सालों से ये लीकेज से पानी दिन भर रिसता रहता है, जिसमें पर डे हजारों लीटर पानी रिसता रहता है। और आप देखो कि ये पानी रिसते हुए एक जगह नहीं पूरी यादव बस्ती में ऐसे कई जगह 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 वॉल बने हुए हैं जहाँ ये पानी सारा दिन रिसता रहता है। और आपको और भी बता दूं कि यहाँ पे मुख्य समस्या ये पहाड़ी पे होने की वजह से पूरा पानी रिस जाता है और काफ़ी लोगों की बहुत बड़ी बस्ती है और ये लोग सारा दिन यानी कि पानी निकाल लाना और नीचे पहाड़ों से हैंडपम्प से जो पानी लाने में इनको काफ़ी दिक्कत आती है जी। हमारे बीच कुछ खड़े हैं वार्ड नंबर 14 के कुछ क्षेत्रवासी जिनसे जानेंगे क्या समस्या है और इस वार्ड में क्या समस्या है। समस्या खूब है, जो हमारा आई कोने साफ सफाई वालों नहीं आ रही है, कटली गंदगी दिख रही है तुम खुद देखो, फिर बाकी हमें तो भी हमारे खुद आते साफ सफाई कर रही है। इन्हें बाद हमने इनके लाइट भी लटलू अभी रही है कि हमारा झोपड़ी है देखा तुम खुद जो रही है झोपड़ी में कोई नहीं है ना, तो हमारे इनके कई करते कोई नहीं है मैं। फिर हमें लाइट बिल भी अटलू भरी रही है, हमें लॉकडाउन में 8,000 भरिया, आप पर भी मैं 3,000 ऊपर भरे आई। तो पर पार्षद तुम बिजी हूँ समस्या, जैसे कि तुम्हारा पानी नहीं समस्या है? नहीं पानी नहीं, भी पानी भी नहीं अब तो कम आ रही है एकदम, पानी एटले बिल्कुल कम हुई है। बार मैं तुम देख रही हूँ सीधर तारी लेना भी एटलू पानी एटले पानी भी कम है हमारे अटले हर चीज नहीं समस्या है समझो तुम्हें आई। पार्षद नहीं तुम्हें क्यों? पार्षद तो कौन हमले पार्षद खाली पार्षद ने वोट लेवा बेटली बार हमले कौन हमले को सर में पार्षद तमार पर फरीन पासो आवे ना कोड़े हमार कन पासो नहीं आवे बड़े कोई पार्षद नहीं आवे हमार कन अमन पूछिस ने तुम्हारी हो समस्या मास दाड़ तक नहीं पूछी। क्या नाम? किरण। क्या समस्या आपके बारे में? सर हमारे ना नाला भी कोई साफ नहीं करता और लाइट की भी प्रॉब्लम है। लाइट कितने दिन में कितने घंटे घुल रहती है कितने घंटे नहीं? लाइट हमारे कभी कभी 2 घंटे और 3 घंटे भी बंद रहती है। और क्या समस्या आपके वार्ड में बड़ी? बड़ी हमारे इधर साफ सफाई नहीं रहती है। आपके पार्षद को आपने कभी शिकायत की? शिकायत हाँ करते पर कोई आते नहीं। पार्षद से क्या आपका इन 5 सालों में संतुष्ट हो उसके कार्य से? तो उनके कार्य से नहीं। आपने अपने आप पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? तो आपको महसूस हुआ कि भाई उनके कार्य आपने देखा इन 5 सालों में उन्होंने क्या किया, इसके हिसाब से आप कितने नंबर? नंबर तो कुछ नहीं देंगे हम। तो इनके कार्य से संतुष्ट नहीं? नहीं। कि 0 से लगाकर 5 के बीच? हाँ। क्या नाम? मेरा नाम है रामलाल यादव। आपके वार्ड में क्या विकास हुआ? हमारा वार्ड में करीब करीब तो सब कुछ हो गया है, जैसे कि चौक है, नालियाँ हैं, साफ सफाई का है, सब बराबर चल रहा है। पाँच साल में जो पार्षद का कार्य रहा इससे संतुष्ट हुआ? हाँ सब बढ़िया है, सब अच्छा है, पार्षद भी ठीक है, अच्छा काम करवाया है, बढ़िया है। फिर भी पार्षद ने इतना 5 सालों में अच्छा काम कराया है, फिर भी क्या आपको क्या लगता है कि ये समस्या आज भी रह गई है कहीं ना कहीं पूरा काम करने के बाद भी? नहीं समस्या जैसी कोई है नहीं, कोई चीज़ नहीं रहा नहीं है, काम तो लगभग हो गया है। हाँ आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर? 10 में से लगभग 8 नंबर। क्या नाम है आपका? हाकेर।
वो समस्या है तुम्हारे वार्ड में? मारे बाबूजी पानी भी नहीं आपतो, नौकरी नौकरी आवी इनी नौकरी करो तुम? नगर परिषद में हो करो तुम? झाड़ू सफाई। हां तुम्हारी वो समस्या है वार्ड में? एक पानी नहीं मले खणी दण। हां पानी की थी लाओ तुम? पानी हेड पंप में हो। हां राम पीवानो से पानी है, पीवा लायक नहीं है? पीवा लायक नहीं है पानी ना, 5 रुपया लेन लावा पानी के साथ। પાણી નહી હોય તો તમે આપણો કપડો જો સ્નાન કરવું હડતે કરો? એ કપડો રવા દો, હેડપંપે લાવીને નાઈ નાખ। હા જી, ક્યા નામ હે આપકા? સંજના। ક્યા સમસ્યા આપકે વાડમાં? યે પાણી નહી આતા, કભી કભી આતા કભી નહી આતા હે, યું। આપકો પાર્ષદ કો શિકાયત તો કી હોગી? નહી અભી તો નહી કી હે। ઇન 5 સાલોં મે પાર્ષદ કા જો કાર્ય રહા ઇસસે ક્યા સંતુષ્ટ હોઆ? કુછ ભી નહી અભી તો ફિલહાલ, કુછ ભી નહી। પાર્ષદ કો 10 મે સે કિતને નંબર દોગે? पता नहीं सर मेरे को। आज तुम्हारे पार्षद हैं, अनने 5 साल पूरे થઈ ગયા છે, તણા 5 સાલ મે અનને એટલો ને કામ કીધું અને થી ખુશ હોક નિયો? બઢિયા આવ અને હું એવો કામ કીધું કે જે તમે ખુશ હો? એવો હું કામ કીધું એમ? પૂરો ડુંગરપુર ગુપ્તાજી પૂરો ડુંગરપુર રોનક માતે લાવ્યા ના? તમારા પાર્ષદ હું કીધું ડુંગરપુર પાર્ષદ? કોઈ નહીં, કોઈ નહીં, કોઈ નહીં કરી અમાર, અમાર કોઈ નહીં। હા ક્યા હું નામ હે તમારું? मार मीराबाई नाम है। वो समस्या है तुम्हारे वार्ड में? अति समस्या है, पानी नहीं, आ नाली साफ करे ने बराबर हमारे आ नाली ने साफ करते हैं, पानी नहीं समस्या सब कोई हमार कोई करते कोई यहाँ सुविधा नहीं है। तो पानी दाड़न कितना घंटा आवे? एक अर्धो घंटो भी पानी नहीं आवी रही है, रोज हमार बेजमारी था है, पानी बदले रोज बेजमारी हमार थी रही है कि हमें कही रही है पहले पानी वाला ने कि पानी हमार नहीं आवी रही है, पानी वालों के कहे तमे सब भेजो ની વેત મન બેવડાવી દો, તમે એને બેવડાવી હું કરો? અમે પાર્સલ હું કે પાર્સલ ને તમે પાર્સલ તે સેટ માર મોટાપાન હોડે રે તે કે જોઉ માર વ્યોર નો સે તેન કન કે જોઉ વી કે કરે તે મો તે દીકો હે ની ની આયલ વોટ લેવા તો તે ના તે આવી ગયો અણા પુટે અમાર પાસે આવ્યો ની હું કરો? કઈ વળે અમારે સમસ્યા હે કે આ સમસ્યા તમાર હે એમ કરી પૂછે કે અમન કઈ ભી કે કઈ ની કે તો? जैसे कि ये लोगों ने जो ये वार्ड नंबर 14 है, ये लोगों ने का कहना है कि इनकी पानी की सबसे बड़ी समस्या है, और कहा जाए कि ये लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ सफाई कर्मी भी हैं यहाँ पर जो कि जो नगर परिषद में काम करते हैं, और सफाई कर्मी जब सफाई कर कर जब वापस वो अपने घर की ओर लौटते हैं तो उनके नहाने के लिए भी पानी यहाँ पर नहीं होता, और साथ ही इनका ये भी कहना है कि दिन में सिर्फ आधा घंटा पानी आ रहा है, और ये बहुत बड़ी बस्ती है, और उस बस्ती में आधा घंटा पानी आना है मतलब कि लोगों तक वो पानी नहीं पहुँच पा रहा है, और लोगों को ये भी कहना है कि पानी जो आ रहा है वो भी पीने लायक नहीं है, तो उन्होंने मजबूरन उन्हें जो नगर परिषद ने एक अच्छा काम किया है डूंगरपुर में कि जो आर ओ लगाए हैं, जो 5 रुपये में जो पानी मिलता है वो लोग वहाँ से ला रहे हैं, और लोगों का साथ में ये भी कहना है कि इन पार्षद ने इन पर जब पार्षद को वो शिकायत करते हैं इसका समाधान भी वो कभी नहीं करते हैं, आखिरकार कहीं ना कहीं जो मूल रूप जो इंसान की ज़रूरतें होती है जो पानी, इससे भी ये लोग वंचित हैं। અમારી એવી સમસ્યા છે કે અમારે પાણી નહીં આવી રહ્યું, અમારા મોંડલા મેં પાણી નહીં આવી રહ્યું, પાણીનો કહેવા જાઉં તમને ઓઈ પાણી ખોલવાવાળો આવે એ અમને બોલે કે ભાઈ મને બોલવા તો કેવું થાય કે પાણી આવે નહીં આવે તો પાણી વેચો તમે જયન પાસે જો એમ, તો જયન સાહેબને ફોન કરો તો જયન સાહેબ એમ કહે કે અહીંયા મોટર નહીં હે, મેને કહા ડુંગરે પે પાણી છટતા હે ઉનકો તો મોટર ચાલતી હે, ઓર અમારે લીએ તુમ્હારે મોટર તો દૂસરી નહીં ડલવા સકતે હો ક્યા, હમ પૈસે દે કે તુમ્હારે પાસ પાણી પીતે ફોકટ મેં પાણી પીતે નહીં હે, हमारे पास हम लाइट बिल का पैसा नहीं हो तो हम एक दो तीन सब्जी नहीं बनाते हैं ट्रक में, और मिर्ची से खाते हैं हम, और लाइट बिल दो भरते हैं, नल बिल भरते हैं, हम सब काम ऐसे करते हैं, भूखे मर जाते हैं पर उनका पैसे हम भर देते हैं, हम इनका पैसा बाकी नहीं रखते, और हमारी समस्या ये देखते ही नहीं है, है लाइट बिल भी नहीं बिल आता है हमारे ये घर का, 10,000 रुपया बिल आ जाता है, कभी 5,000 आता है, दो एक एक ही घर है, दो जने ने मीटर लिया है छोरे ने, तो वो मीटर से हमारे पैसे ऐसा आते रहेंगे तो हमारा नौकरी तो है ही नहीं, कहाँ से हम भरेंगे? क्या नाम है? मंजू यादव। क्या समस्या है इस वार्ड में आपकी? इस वार्ड में तो हमारी बहुत सी समस्या है, पानी की तो सबसे बड़ी समस्या है, पानी आता नहीं है, आता है तो बिल्कुल कम आता है, कितनी बार हम कंप्लेन कर करके परेशान हो गए, जेएन साहब ध्यान नहीं देते, और कोई भी प्रशासन का कोई भी चीज़ ध्यान देने को तैयार नहीं है। आपने पार्षद को शिकायत तो की होगी? सबको शिकायत की है, पार्षद को भी की है, सब जगह शिकायत की, पर कोई आता ही नहीं यहाँ पे, पार्षद तो जब से बने तब से वार्ड में शक्ल तक नहीं दिखाई है। 5 सालों के पार्षद से कार्य से क्या खुश हो आप? बिल्कुल नहीं खुश है, हम तो यहाँ पे आए वोट लेने आए तो वोट देने को भी तैयार नहीं है।
पार्षद को 10 में से कितने नंबर दोगे? 0 समझ लो। 0 समझ लो। हो नाम है तुम्हारे? दुर्गा यादव। वो समस्या है तुम्हारे वार्ड में? मार वार्ड में सब समस्या है। समस्या में मोटी समस्या है तुम्हारी? सब पानी नहीं हानी नहीं खवा दीवानी सब। पानी नहीं आपतो तुम्हारे? ना। मसे तुम्हारे पार्षद ने तुम्हें क्यों दोगा कि पानी भाई मारने आपतो दोगे पार्षद? ना ना मैं ना दिया लौट लो मार। बाथरूम भी मकान भी सही कर दिया लो मार। वही ये वो है देखो मांगी की दुआ तुम्हें की दुआ हम कहीं परिवार वाला वो कर आज पैसा ले हम कहीं भीख मांगते की दुआ सरकारी गो मली मली रहे जो ताले कटला आले जो ताले 10 किला। वार्ड नंबर 14 में कुछ जो महिला हमारे बीच खड़ी है जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या समस्या है और क्या इनकी मूल रूप समस्या है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमीला है। क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में साफ सफाई की प्रॉब्लम है, इसके बाद हमारे पानी की समस्या है, इसके बाद हमारे पार्षद कहीं साइन वगैरह कुछ करवाने हैं तो भी हमारे समस्या, और नालियाँ टूटी फूटी है उसमें समस्या, सफाइयों की भी सफाई की समस्या है, कई सारी समस्या हमारे। क्या आपके पार्षद से जो पार्षद ने इन 5 साल जो गुजारे जो इन 5 साल के आपके वार्ड में जो राज किया उस उन्होंने राज के इन 5 साल के कार्य से क्या आप संतुष्ट हो उनके काम? नहीं हमारे पार्षद के हमने पार्षद की शक्ल ही नहीं देखी है, कौन सा पार्षद है पता ही नहीं है हमको, तो सिर्फ वोट के टाइम उनको देखा गया। वोट के समय देखा और वोट डाला वही हमने देखा है। हाँ कहीं साइन वगैरह करवाना है तो हम कहाँ पार्षद ढूंढने जाए, पता ही नहीं है हमको कहाँ रहते वही। जी तुम्हारा कौन नाम है? हमारे कमला। वो समस्या अपने वार्ड में? हमारे वार्ड में हो समस्या है तो पानी नहीं आता है ने एयरपंप सही नहीं है, ये समस्या है हमारे। काम करवा वाली तो आवे भाई कई को नहीं आवे मरते कब, पानी खराब आ रही है। पानी खराब आ रही है? पानी आवे तो बीच में खराब आवे तो अच्छा पानी से आवे पीवा लायक पानी है? पीवा लायक है पिया। हाँ 5 साल में पार्षद ने तुम्हें कार्य जोया तुम्हारे पास समस्या हम मलवा आवे ना नहीं आवे आए ना नहीं सकल नहीं जुई ना दे 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 क्या थे पोवाटले में आवे वोट बात बात नहीं। हाँ हो नाम है तुम्हारा? पार्षद ने 5 साल रहा और हम तो पार्षद ने कार्य कीधु खुश हो नहीं खुश तो हाँ अमार समस्या का 5 साल में पार्षद ने तुम्हें कार्य जोया तुम्हारे पे आया ना नहीं आया कोई समस्या ले पूछवा आवेस ने हो नाम है तुम्हारे? मार हाके नाम है। वो समस्या है आप पानी दे तो को राणा नाम है पेला नाल कौन भरवा दे पानी एक दाड़ो भरवा दे बीजे दाड़ो भरवा दे हां कौन भरवा दे पानी नहीं आवतो साफ है वो पानी आवे खाली पीवानो पानी बे बेड़ो भरणो ने भरण आयो है एक हालत एक टेप पानी नहीं आवे एक बोन पानी नहीं आवे पानी नहीं आवे कितनी पानी कितनी लवो के तो गिलावा आ नाल है जेने आवतो वेने जिस तरह का इन लोगों का कहना है ये हमारे पीछे आप देख सकते हो एक हेडपंप लगा दिया गया है नगर परिषद ने, पर इन लोगों का कहना है कि इस हेडपंप से कभी पानी नहीं आया। अब पानी नहीं आएगा तो इन लोगों का ये भी कहना है कि भाई कल जो बीता दिन था उस दिन भी उनके लिए पानी एक बूंद पानी इनके नल में नहीं आया, और लोगों का ये भी कहना है जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल ही खराब पानी है बल्कि पीने लायक पानी भी नहीं है, और लोगों का ये भी कहना है कि उनमें जैसे जीव जंतु निकलना भी आम बात होगी है पानी के अंदर। और दूसरी चीज़ इन लोगों का ये कहना है कि जो पानी है पानी जैसी समस्या जो मूल रूप जो ज़रूरतें होती है इंसान की जैसे पानी है इस पानी के पानी से भी ये लोग वंचित है। जिस वार्ड में जब तक हमने घूमकर देखा तो लोगों की मतलब एक ही लोग अपनी मांग कर रहे हैं जो पार्षद इनके पानी की मांग को दूर करेगा उसी को हम वोट देंगे वरना हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग काफ़ी सालों से उनका यही कहना है कि पानी की समस्या हमारे कई पार्षद आए कई चले गए और फिर भी हमारे पानी की समस्या को अभी तक दूर नहीं किया गया है। और लोगों को साथ में हम देख भी सकते हैं कि लोग इनका ये भी कहना है कि ना पीने के लिए पानी नहीं है तो फिर नहाने और कपड़े धोने के लिए पानी कहाँ से आएगा। पुण्य
हॉस्पिटल। अब गुजरात का रुख करने से पहले जरा रुकिए, क्योंकि गुजरात के सुप्रसिद्ध डॉक्टर संतोष प्रजापति की सेवाएं आपको अपने डूंगरपुर में ही मिल सकती हैं। तो फिर क्यों जाना है गुजरात? यहाँ आपको मिलेंगी ये सुविधाएं: अनुभवी डॉक्टर, जनरल वार्ड व स्पेशल वार्ड, आईसीयू की सुविधा, लेबोरेटरी एवं डिजिटल एक्सरे, 24/7 नर्सिंग केयर। हमारा पता है पुण्य प्लाजा, शहीद पार्क के पास, डूंगरपुर। कॉल करें 8905306820। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतीयन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, डेनिम क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतीयन मार्केट सरकार की स्वीकृति और COVID-19 गाइडलाइन के अनुसार। हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतीयन मार्केट में, फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतीयन मार्केट। क्या नाम है आप? मेरा नाम संगीता यादव है। क्या समस्या आपके वार्ड में? हमारा समस्या एक, हमारे यहाँ पे नल में पानी नहीं आता, आता है तो दो आधा घंटा भी पानी नहीं रहता, और आता है तो पतला पतला पानी आता है। पतला इन द सेंस कहा जाए तो पतले में, मतलब बिल्कुल लो लेवल का। हाँ, वो पानी मतलब किसी के तो पानी पीने का भरा भी नहीं जाता है ना, चला जाता है, तो लोग इतना पानी से परेशान। एक ही हेडपम्प है, हेडपम्प पे भी पानी नहीं आता, तो हम कहाँ जाए पानी लेने के लिए? पीने के तो आरओ से लेके आते हैं हम, 10-10 रुपए दे के ऑटो में ऐसा करके पानी लेके आते हैं। तो पानी जो आ रहा है नलों में, वो क्या पीने लायक पानी नहीं? नहीं, पानी पीने लायक भी नहीं है, अंदर का कभी तो बाल आते हैं, कभी तो मिट्टी आती है, कभी तो रेत आती है, पता नहीं क्या क्या आता है उसमें। आपके इन 5 साल में पार्षद कभी आपको दिखे आपके वार्ड? नहीं, मैंने 5 साल हो गए, इस पार्षद को कभी देखा ही नहीं है, शक्ल ही नहीं देखी, कैसा है वो? 5 सालों के पार्षद के कार्य से आप संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर दो? 0। પેલાને એમ કે કે તમારે પાણી નહીં આવતું હોય, તો પાણી મો તો ખોલી રહ્યો, પાણી નહીં આવે તો મેં ક્યાં કરો એમ કે? પછી તમે હું પછી મેં એમ કે મોટર વાળા મોટરે સબ બંધ કરો, ને પાણી ઢંગસર પાણી આલો, અમારે પાણી નહીં આવતું મોણે નળે પેલા નળે, હા તારે ને પાણી વાળ આવે, હા। मेरा नाम ललिता है। क्या समस्या आपके? हमारी समस्या ये है सर, हमारे यहाँ नाली नहीं है पानी डोलने की, और चार पांच बार हमने रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन पार्सल तो हम तो अभी तक देखा ही नहीं है, अभी तक तो कैसी शक्ल है वो भी पता नहीं, लेकिन किरण ने हमने 2-3 बार हमने दी है रिपोर्ट नाली की, हमारे नाली पार्सल का नाम पता नहीं, पता है नहीं, नहीं पता है, मैं देखा ही नहीं है पार्सल कैसा ही नहीं देखा मैंने तो। तो क्या नाली को लेकर आपने जब पार्षद से शिकायत किया किसी? नहीं, पार्षद तो मिला ही नहीं है, कहाँ से शिकायत करे? किसको शिकायत? किरण को किया था, किरण ने कहा कि तुम रिपोर्ट दो नगर परिषद ने, हम तो 2 बार इसने उनके और हमने दोनों 2 बार रिपोर्ट दी है नाली के लिए, और ये हमारे पानी का बहुत समस्या है, पानी डोलने का, हमारा पानी कहाँ जाए अब? हमारे पहले से घर हुए, अभी तो है नहीं, तो ये नाली हमारे जब हो रही थी इनसे, वो नाली करने वाला आया था, बाद में आग उन करके छोड़ के चला गया, वो फिर आया ही नहीं, आया ही नहीं, तो हमारे नाली नहीं ज्यादा समस्या है। यहाँ पर हमने देखा कि 11 केवी की जो विद्युत विभाग की जो विद्युत निगम की जो लाइन है, जो वायर है, वो जा रहे हैं, जो सीधे जो घर के ऊपर से जा रहे हैं, और घर वालों का भी ये कहना है कि यहाँ पर इनके बच्चे छत पर आते हैं और कपड़े सुखाने के लिए या कोई और अन्य काम के लिए जब ये आते हैं, तो आए दिन दुर्घटना होने की संभावना है। उन्होंने साथ में एक घटना हमें ये भी बताई कि जब उनका बच्चा एक पतंग उड़ा रहा था, तो उस वक्त पतंग की डोर इस वायर में जब फंस गई, तो उस बच्चे ने, छोटा बच्चा था, तो उसने वायर पतंग निकालने की कोशिश की, तो इसमें आग लग गई। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये दुर्घटना को मतलब न्योता दे रहा है, बड़ा हादसा होने को भी न्योता दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे और इन लोगों की
है ना, समस्या तो है कि इस लाइन को यहाँ से दूर हटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में ये आप बिल्कुल ही देख सकते हो जिस तरह का ये मकड़ी का जाल सा बिछा हुआ है, और ये 11 केवी की लाइन है, जैसे जो विद्युत विभाग से, जो विद्युत निगम के जो पोल है वहाँ से आ रही है। देखिए, देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये लाइन जा रही है। पूंजी देवी, वो समस्या तो ये कच्चा मकान था, 2-3 बार हमारे आग लग गई है वार से। कौन से वार से आग? ये लाइन में से। आपने नगर परिषद में किसी को कहा भाई जयन भैया? नहीं, बहुत सारे कहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा इनको हटाने के लिए? जब कहते हो आप वायरों को, क्या कहते? वो हटाते यूं ही बोलते हैं, कभी हटाते थे है ही नहीं। सिर्फ वादे करते हैं, वादे करते हैं बस। पीछे से कुछ आवाज आ रही थी, वो पैसा मांग रहे थे, क्या वो पैसा मांग रहे थे? हाँ, पैसा मांग रहे थे। कितना पैसा मांग रहे थे? 10,000। किस बात का पैसा मांग रहे थे? ये बाहर हटाए, 10,000 रुपये दो तो हट जाएगा तुम्हारा। हाँ मंजू, क्या समस्या आपकी? पानी नहीं आता टाइम टाइम। क्या करते हो आप? नगर पालिका में। क्या करते हो नगर पालिका? सफाई कर्मचारी। पानी की समस्या कैसे होती? सुबह में जल्दी आता है, वो भी आधा घंटा आता है, उसके बाद नहीं जाता है, उसके बाद आता ही नहीं पानी। हम 10-11 बजे आते हैं, फिर हमारे को पानी नहीं मिलता है। कैसे गुजारा करते हो? हेडपम्प भी खराब हो रहा है अभी। गुजारा के कहाँ से लाते हो पानी, नहाने धोने का, पीने का? ये हेडपम्प से लाते हैं। और क्या? क्या पानी जो आ रहा है वो अच्छा आ रहा है? अच्छा नहीं आ रहा, 2-3 दिन से खराब आ रहा है। पानी पीने लायक नहीं है? पीने लायक नहीं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? हीरा देवी। समस्या आपके बारे में? ये पानी की समस्या है, पीने लायक पानी नहीं, पानी सही नहीं आता है, पीने का पानी सही नहीं आता है। क्या करते हो आप? नगर परिषद में कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी हो? हाँ, सफाई कर्मचारी। कितने बजे घर लौटते हो? 10 बजे। तब क्या पानी आता है? नहीं, पानी नहीं आता है, कभी 2 बजे देता है, कभी 10 बजे देता है, कभी 6 बजे देता है, यूँ देता है पानी। फिर कैसे अपना गुजारा करते हो, नहाना धोना पीना? ये हेडपम्प से लाते हैं हम पानी। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो गंदगी को साफ करता है, और फिर वो जो खुद गंदे होने के बाद खुद को धोने के लिए, खुद को साफ करने के लिए पानी नहीं है। नहीं है सर, पानी तो है ही नहीं। वार्ड नंबर 14 की जनता से हमने बात कर ली है, अब समय आ गया था कि हम जो वार्ड नंबर 14 के जो पार्षद हैं भुवनेश लबाना से बात करें। पर जो यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने कैमरे में आने से इनकार कर दिया। जब हमने उन्हें फोन किया तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। जब हमने उनसे मुलाकात की तो उनका कहना था कि मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। ये तो बात रही जिससे उन्होंने, पार्षद ने जो इनकार किया, कहीं ना कहीं इससे ये साफ जाहिर होता है कि कुछ तो कमियां रह गई, इसके कारण वो कैमरे के सामने नहीं आए। अब उन्होंने तो अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया कैमरे के सामने, पर मैं मेरी जनता से बता दूं कि जो सीबीसी की जनता है उनको मैं बता दूं, जो हमने जो विजिट किया, जो जगह जगह हम वार्ड की गलियों गलियों में घूमकर जो हमने पाया क्या कमियां, उसमें से सबसे पहली कमियां थी यहां के लोगों को आज भी पानी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। लोगों को सिर्फ दिन में आधा घंटा पानी मिलता है और वो पानी पीने लायक भी नहीं है। लोगों से हमने ये भी जाना कि यहाँ के पार्षद को उन्होंने कई बार फोन किए, कई बार अवगत कराया, नगर परिषद में गए, फिर भी उनकी पानी की समस्या अभी तक दूर नहीं हुई। दूसरी समस्या जो खुलकर जो सामने आई, जो विद्युत विभाग के जो तार लगे हुए हैं वो मकड़ का जाल सा बन गया है, जो कि आए दिन दुर्घटना को न्योता दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का ये भी कहना था कि पार्षद को उन्होंने कई बार सूचना दी, फिर भी पार्षद ने इसको देखा भी नहीं, ना उनकी समस्या को सुना। दूसरी ओर लोगों ने कहा कि 5 साल जो पार्षद जीते यहाँ पे, पर 5 साल तक पार्षद इस वार्ड में लौट कर भी नहीं आए। उन पार्षद ने 5 साल तक जो वादे किए थे वो वादे तो छोड़ दीजिए, पर उनकी समस्या सुनने के लिए भी पार्षद इस वार्ड में नहीं पहुंचे। लोगों ने फोन किया तो लोगों के फोन नहीं उठाए गए, लोगों ने उनसे जाकर मुलाकात की, उनकी समस्या बताई, समस्या का समाधान करने की हामी तो भर दी, पर समस्या का कोई समाधान नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है आखिर क्यों ये पार्षद कैमरे के सामने आने से इनकार कर रहे हैं। ये तो था सीबीसी न्यूज का वार्ड नंबर 14। अब सीबीसी की टीम आपको इसी तरह वार्ड नंबर 15 में मिलेगी और वहां के पार्षद से बात करेगी, वहां की जनता से बात करेगी, क्या उनका काम हुआ, क्या समस्या आज भी है और क्या विकास हुआ, क्या वादे जो पार्षद ने किए थे 5 सालों में वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए। मैं सीबीसी न्यूज के लिए ज्वेल कराल, मेरे सहयोगी सौरभ दुबे और शाहिद खान के साथ डूंगरपुर, और देखना ना भूलिए डूंगरपुर नगर परिषद का ये खास रिपोर्ट कार्ड।